नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ द्वारकाधीश टेंपल से जुड़ी हुई रोचक बातें बताऊंगा। द्वारकाधीश टेंपल गुजरात के जामनगर जिले में गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर में स्थित है। द्वारका इज वन ऑफ द सप्तपुरीज इन इंडिया। सप्तपुरी सात पवित्र नगर हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। द्वारकाधीश टेंपल इज वन ऑफ द चार धाम ऑफ इंडिया। अन्य तीन धाम रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी जी हैं। द्वारकाधीश टेंपल में श्री कृष्ण भगवान को राजा की तरह पूजा जाता है। दिन में 11 बार इनको भोग लगाया जाता है। द्वारकाधीश टेंपल में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने का अपना एक अलग महत्व है। चारधाम तीर्थ स्थलों का अपना अलग अलग महत्व है, जैसे बद्रीनाथ में पिंडदान का, रामेश्वरम में जल व पुरी में प्रसाद का महत्व है। ठीक उसी तरह द्वारकाधीश जी में श्रृंगार का महत्व है। द्वारकाधीश मंदिर में द्वारकाधीश जी चांदी के सिंहासन पर श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति के रूप में विराजमान है। भगवान हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों व सुंदर वेशभूषा से सजी प्रभु की प्रतिमा हर किसी के मन को मोह लेती है। द्वारकाधीश टेंपल चारों धामों में से दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर बद्रीनाथ धाम, दूसरे स्थान पर द्वारकाधीश, तीसरे स्थान पर जगन्नाथपुरी और चौथे स्थान पर रामेश्वरम धाम का महत्व है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान प्रतिदिन बद्रीनाथपुरी के सरोवर में स्नान करते हैं, फिर द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचकर वह अपना श्रृंगार करते हैं। उसके पश्चात वह भोजन ग्रहण करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात विश्राम के लिए श्री कृष्ण भगवान रामेश्वरम प्रस्थान करते हैं। द्वारकाधीश टेंपल में ध्वजा पूजन का विशेष महत्व है। मंदिर के शिखर पर ध्वज हमेशा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ लहराता रहता है, हवा चाहे किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो। शिखर पर लगे हुए ध्वज को कई किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है। यह ध्वज 52 गज का होता है। 52 गज के ध्वज को लेकर कथा यह है कि द्वारका पर 56 प्रकार के यादवों ने शासन किया। इन सभी के अपने अपने भवन थे। इनमें से 4 भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी को देव रूप में होने के कारण इनके मंदिर पर इनके अपने ध्वज लगे हुए हैं। इन मंदिरों के शिखर पर इनके अपने ध्वज लहराते रहते हैं। बाकी 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक के रूप में यह 52 गज का ध्वज द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लहराता रहता है। प्रवेश के लिए गोमती माता मंदिर के सामने से जो 56 सीढ़ियां निकली हुई हैं, वह भी इसी का प्रतीक है। 52 गज के ध्वज को लेकर और भी कई मान्यताएं हैं। ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग के ध्वज का उपयोग किया जाता है। ध्वज को बदलते समय एक पल ऐसा भी आता है कि मंदिर के शिखर पर कोई भी ध्वज नहीं होता है। ध्वज के ऊपर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ ध्वज को बदला जाता है। द्वारकाधीश टेंपल में 2 प्रमुख द्वार हैं। उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार और दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर के दक्षिण में जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के दर्शन किए जा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने किया था। यह मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर 78 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, ये कुछ रोचक तथ्य थे जो मैंने
आपके साथ शेयर किए। अगर आप इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण द्वारकाधीश मंदिर के बारे में रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप जरूर बताइए कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए आपके होस्ट का आपको नमस्कार, और अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।